अरे लड़का नहीं तो क्या, मंगलसूत्र लड़की बांधेगी? पर किसे? तेरी भाभी को। जब वो इस घर में आएगी ना, तो जब भी तू बाल बनाया करेगी, वो तेरे सिर में तेल डाला करेगी, तेरे सारे के सारे कपड़े वही धोया करेगी, तेरे सारे काम में हाथ भी बटाया करेगी, हम दोनों को ही साथ मिल जाएगा। वाह क्या बात है, भाई हो तो ऐसा। अगर दोबारा जन्म मिला ना तो मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बहन नहीं बनूंगी। क्या हुआ बहन, अचानक नाराज क्यों हो गई? मैंने एक साथ ही मांगा था, तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए। क्या तुम्हारी शादी की बात चल रही है? मैं तो भाई की शादी की सोच रहा था, तू तो बहुत होशियार है। तुम ऐसे ही सोचते रहो, किसी दिन किसी को लाकर कहूंगी, ओ भैया ये तुम्हारे जीजा है, समझ गए? नहीं नहीं बहना, ऐसा मत करना, नहीं तो मुझे ना हार्ट अटैक आ जाएगा भैया। इसलिए मैं एक अच्छा सा लड़का देखकर, हेलो सिस्टर, कहूंगा यही तेरा पति है। काशी भैया, आज से हमारा मकसद क्या है? मकसद राजेश खन्ना से पूछना पड़ेगा। वो बात नहीं है, बहन की शादी के लिए डे नाइट काम करके हमें पैसे कमाने, यही हमारा मकसद है। चलो चलो। राम राम, आइए आइए। राम राम, लक्ष्मण आ रहे हैं। क्या चाहिए भाई? पैसा। ये बैंक नहीं है, गिरवी रखने की दुकान है। रखता हूँ ना, पहले तुम तो दो। क्या दूँ? रुपए। गिरवी क्या रखोगे? चक्कू वक्कू हम गिरवी नहीं रखते। नहीं रखोगे तो हम ये चाकू तुम्हारे सीने में घुसा देंगे। जराफत से पूरा माल निकाल। तुम नक्सलवादी हो क्या? नक्सलवादी से भी खतरनाक है। अंदर जो सामान है चल बाहर निकाल के रख रख। अरे भाई ये अंगूठी तुम्हें अच्छी लगेगी रे। नहीं नहीं नहीं, ये रिंग तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इधर ला, इसमें अपनी फिंगर डालो, फिट हो गई। चुप, मेरा सारा माल मुझे नहीं दिया तो मार डालूंगा। मार डालेगा? इस चाकू से मारेगा? चुप, मेरा माल मुझे नहीं दिया तो मार डालूंगा। अरे वो देखो, मारवाड़ी किसी को चाकू से मार रहा है। अरे से अभी तक कुंवर रहा हूँ, एक लड़की का होने वाला पति हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। शराफत से मेरा माल मुझे नहीं दिया तो मार डालूंगा। बार बार दे दो कह रहे हो सेठ जी, मैं नहीं दूंगा। बकवास बंद करो। शरीफ आदमी समझते थे ये तो गुंडा है। नहीं सेठ, आप गिरवी रखने वाले हैं, इस तरह गुंडागर्दी मत कीजिए। हमारे गहने मत छीनो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप, मेरा माल मुझसे चुरा के मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। क्या था? हमने हमने चोरी की। देख रहे हैं आप लोग, वो मरेला कैसी बात कर रहा है? उसके हाथ में चाकू है, हमारे हाथ में हमारा सोना है, ऊपर से मारने की बात कर रहा है। आप ही बताइए कौन चोर है। मैं बताती हूँ, पवित्र भारत देश में पैदा होकर मासूम लोगों के माल लूट कर चोरी का काम कर रहे हैं गुंडे लोग। पहलवान की तरह हो, मेहनत से काम करो, शेर की तरह जीना छोड़कर बंदरों की तरह चोरियां कर रहे हो। ये डायलॉग तो काफी सुना हुआ लग रहा है ना? ये जो है वो दरअसल में है नहीं। हाँ, बैक पॉकेट। वो गहने दो। मैडम ये गहने मेरे हैं। तो चुप कर, और की तरह क्यों बात कर रहा है? मैडम बात कर रही है ना, बताती हूँ दो। ए, क्या है? एसपी के गेटअप में आकर साइड एंगल से चमका रही है क्या? चैन पट्टी नहीं करना, नहीं तो वार्ड लगा दूंगा। मारती क्यों? बैक पॉकेट अच्छा है इसकी। सेम डायलॉग, तू भी अपन की जैसी है क्या? बकवास बंद करो, वो गहने इधर दो। पुलिस को देखकर चोर को भागना देखा है, लेकिन पुलिस को देखकर पुलिस भाग रही है? वो पुलिस नहीं, चोर थे। कम ऑन, फॉलो मी। क्या एक आशे यहाँ अंधेरे में छुप जाते हैं। जरा साइड तो हटना। अरे बाप रे, जहां से भागे वहीं पर आ गए, ये तो पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे तुम काशी कहाँ चला गए? हम दोनों के बीच में कोई ना हो इसलिए चला गया। इसलिए? तेरे साथ रोमांस करने के लिए। रोमांस? ए पंगा मत लेना, वाट लगा दूंगा। वाट लगने के लिए तो तेरे पीछे आई हूँ। पीछे पड़ना बहुत हो गया, अब तो अपना काम देख। छी छी, हाथ में आए हुए चोर निकल गए। तूने अगर ऑपरेशन किया होता तो। ऑपरेशन नहीं, कॉपरेशन। हाँ वही यार, कॉपरेशन। वो अगर तूने किया होता तो। हाँ, तुम उसे पकड़ के प्रमोशन लेकर मेरे हाथों में रख देने वाले थे। ख्याली पुलाव पका रहे हो। तुम ऐसे ही मच्छर मारते रहो, किसी न किसी दिन उसे पकड़ के एसपी या डीएसपी लेकर आएंगे। मैं किसी मर्डर केस में तुम्हें उसमें फंसा कर तुम्हारी वाट लगाऊंगा। थैंक्स। और जब मैं
एक्सक्यूज मी बाबू, ये पुलिस स्टेशन है क्या बाबू? नहीं, रेलवे स्टेशन है। मैं हावड़ा मेल, ये डेकन एक्सप्रेस है। आओ बैठो। आप क्यों पढ़ेंगे? ये रेलवे स्टेशन समझने के लिए मुझे इतनी ज्यादा चढ़ी नहीं है क्या, समझे? ये पुलिस स्टेशन मुझे अच्छी तरह पता है। पता है तो क्यों पूछ रहे हो तुम? जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो ये बीच में क्यों बोल रहा है? इंस्पेक्टर शेर सिंह है। चुप रहो, बीच में मत बोलो। क्यों रे, एक पुलिस वाले से अरे तुरे बोल रहा है तू? मैं कौन हूँ पता है तुझे? वो कौन? मैं हूँ साधु यादव। तुझे पता है? मुझे पता है। कौन है? खुशियाँ मनाओ। सुनो, दो दिन में मैं एसआई बनने वाला हूँ। क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ, उसके रिश्तेदार से पंगा ले लिया? क्या ये उसका रिश्तेदार है? हाँ। सर सर, आपको क्या चाहिए सर? आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं सर? आप ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं सर? अच्छा, अब समझ गए ना। देखो, मेरा घर घूम गया, ढूंढ कर लाओ। आपका घर घूम गया? वो कैसे सर? पता नहीं कहाँ चला गया। आई सी, इसे ज्यादा हो गई होगी, इसे पता भूल गया होगा। आ सर, आप इधर ही बैठिए, दारू उतरते ही तुम्हारा घर तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगा। साहब जी, आप इधर ही रहो, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। जा रहे हो? वो करण सोना लेकर भाग गया है ना, अब कोई ना कोई बार में तो बैठा होगा, मैं जाकर अरेस्ट करके आता हूँ। अच्छा, तो मेरा प्रमोशन तुम लेना चाहते हो? अरे साहब, आप हमेशा उल्टा क्यों सोचते हैं? मेरे से बड़े हो, आधी रात में तुम्हें क्यों तकलीफ दूं? इसलिए तो मैं जा रहा हूँ, अगर प्रमोशन मुझे मिला तो तुम्हें मिलने जैसा है। अगर तूने इतनी सहायता मेरी पहले ही की होती तो आज मैं एसपी के पोस्ट पर रहता। आपको ऐसा लगता है तो आप जाओ, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। हाँ, अरे मेरी सहायता नहीं करने वाला मेरी सहायता कर रहा है, आज अचानक मेरा साथ क्यों दे रहा है? देखना पड़ेगा। पकड़ लिया, प्रमोशन मिल गया। अरे बाप रे, अब पता चला क्यों बाहर भेज रहा था। अंदर आता हूँ मैं। छोड़ दे, ये मेरे चोर है। नमस्ते एसपी साहब, इन दोनों को मैंने पकड़ा है। एसपी साहब किधर है? वो देखो, वो भाग रहे हैं। अरे ना लाठी मिली ना टोपी मिली, ना पकड़ते हो ना पकड़ने देते हो। मैं नहीं पकड़ूंगा तो चलेगा, लेकिन तुम्हें नहीं पकड़ने दूंगा। हाँ? अरे शेर सिंह, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। बाप रे, ला दो। तुम दो। आओ बाप रे, मैंने ये नहीं मांगा था, मैंने जेवर मांगे थे। कहने जेवर? वो तो तुम्हारे पास होंगे। मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ गए? मुझे मिला इसलिए मेरा है। तेरा बॉस मैं हूँ इसलिए मेरा है। नहीं, मेरा है। नहीं, मेरा है। तो मुझे 60%, तुम्हें 40%। नहीं, मुझे 60%, तुझे 40%। फोन किसको कर रहे हो? एसपी साहब को। किस लिए? उनसे पूछूंगा कि तुम्हारा कितना और मेरा कितना। अबे तेरी तू, ये बात उन्हें बताएंगे तो सारा माल वो ले लेंगे। लेने दो, तुम्हें 60% नहीं दूंगा। ठीक है, 50-50 कर लेंगे। चलो। मेहनत हमने की और माल पुलिस ले गई। जाने देना, चल ना। कहाँ? तुम्हारे घर। ए, तेरा कोई घर नहीं है क्या? घर तो है, दिल नहीं लगता, चलना। ए, लगता है बहुत स्पीड में हो, मुलाकात हुई नहीं और घर तक पहुंचने लगी। वाट लगा दूंगा। तो वाट लगा दो ना, इसीलिए तो प्यार कर रही हूँ। बहुत नाटक कर रही हो क्या? नहीं, बस प्यार कर रही हूँ। करो, करते रहो, जब किसी दिन कोई तुम्हारा फायदा उठा कर ले जाएगा ना, तब समझ में आएगा। तुम्हारे रहते कोई फायदा कैसे उठा सकता है? सुनो, जेवर तो 50-50 नहीं कर पाए, कम से कम हम दोनों जिंदगी भर साथ साथ तो रहेंगे। जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा? दिमाग खराब है मेरा क्या? चल भाग यहाँ से, फूट ले। तुम कैसे मर्द हो? आधी रात को एक खूबसूरत लड़की अकेली है, उसका चुम्मा लो, उसे गले लगाओ, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? इधर क्या बातें चल रही हैं? कैन आई हेल्प यू? यू ब्लैक। What is this? मैं यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ और इस हालत में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। Oh, I think charges. हेलो, मैं कल्लू बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, अमेरिका से। एक मिनट, जीजा जी, अमेरिका से चक्रवर्ती? अमेरिका का फोन मत उठाकर, कहा ना तुमको? अमेरिका में चक्रवर्ती फोन उठाया है, मैंने तो इंडिया में उठाया। हेलो, हाँ ठीक है यार,
परसों अचार भेजा था, कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा सुनो, कल मॉर्निंग फ्लाइट से मेरा बेटा इंडिया आ रहा है। अचार के लिए? अरे क्यों भेज रहा है उसको, मैं पार्सल करके भेजता हूँ ना। वो अचार के लिए नहीं आ रहा है, वो म्यूजिक प्रोग्राम के लिए आ रहा है। ऐसा क्या, तो मैं रिसीव करके अपने घर ले जाता हूँ। मेरा बेटा 2 महीने वहीं रहेगा, काम तो ठीक है, एक अच्छा रिश्ता दे, शादी कर डालेंगे। तो ऐसे कहो ना, मेरी बेटी रेडी है, लड़का अगर एक बार देख लेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। इतनी बदसूरत है क्या? नहीं नहीं, अच्छी लगे कह रहा हूँ। लड़के को पसंद हो तो बस, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन लड़की सुशील और सुंदर होनी चाहिए बस। तो फिर और इजी, मेरी बेटी फिल्मी हीरोइन से भी बढ़कर है। हाँ ठीक है, हाँ ओके। ओ मेरी डॉटर, ओ माय डॉटर, ये क्या पहने हो? क्यों, क्या बुराई है इस गेटअप में? अच्छा तो है, तकदीर अपना साथ दे रही है, तुम इसे यूं ही खो देना चाहती हो? लड़का अमेरिका का है, स्टाइल वाला, सूट वाला, बूट वाला, पर्स वाला, नोट वाला है। तो क्या हुआ? ओ मेरी भोली डॉटर, उस लड़के को लाखों रुपए लगाकर ऑर्गेनाइज करके इंडिया क्यों बुला रही हूँ? म्यूजिक प्रोग्राम के लिए। नो, इस बहाने उसके साथ फ्रेंडशिप करा के शादी कराने के लिए। अब तुम इस गांव वाली ड्रेस में आओगी तो वो तुम्हें पसंद कैसे करेगा? इसलिए जाकर मेरी पहन कराओ कि देखते ही मूड में आकर शादी कर ले। देखो, उसे मूड आए या उसे मूड ना आए, मैं कोई मीठी विटी नहीं पहनने वाली हूँ। नहीं पहनेगी?